चलो बेटा, आज की हेडिंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस होगी हेडिंग। ओके तो बेटा, अब से क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जो भी चैप्टर खत्म होगा ना उसकी असाइनमेंट तो आप कर ही रहे हो, आपको साथ ही साथ उसके क्या करवाते हैं, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाते हैं। इसके बाद जब रिविजन स्टार्ट होगी, रिविजन में स्टार्टिंग से क्या कराए जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, रिविजन में हमारा जो मेन फीचर होगा दैट विल बी एनसीईआरटी बुक रीडिंग। आप लोग अपने हिसाब से एनसीईआरटी बुक को क्या करोगे, रीड करोगे, उसी से सारा रिवाइज करोगे और आपके कॉपी के जो नोट्स होंगे उससे रिवाइज करोगे, प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर भी आपको सारे के सारे करवाते जाएंगे, उससे बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो मान के चलो कि आपके बोर्ड एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की क्या होगी, प्रॉपर रिविजन जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसके जो क्वेश्चन है ना, इतने ईजी वाले या बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं होते, पहले भी मैं एनसीईआरटी के बीच में काफ़ी करवा दिए हुए हैं। तो लेट स्टार्ट, हेडिंग डाल लो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले क्या करते हैं, कई बच्चों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, कुछ बच्चों का मिसिंग है, एटलीस्ट मैं सारे फार्मूले यहाँ लिखवा देता हूँ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी किया हुआ ना यार, कुछ मिसिंग है, तो भी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ होगा, रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो एक बार इस चैप्टर के जो भी एक्सप्रेशन हैं, फार्मूलाज हैं, वो एक बार डिस्कस करके उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, इसमें मेनली हमने फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही डिस्कस किया। अगर फोटोन की बात करते हैं तो एक फार्मूला इसमें चलने वाला है आपका एच न्यू, यहाँ चलने वाला है एच सी बाय लैम्डा, या फिर इसको एक और फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है 12375 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में पुट करो और आंसर किस में पाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाओ। एक ये एक्सप्रेशन बार बार यूज होगी बन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेशन से और अपने हाथों से कैलकुलेट करते हुए क्वेश्चंस करना। ठीक है, कोई एक या दो बच्चे ना कैलकुलेटर निकाल के रख लेना, कई बार हमें आंसर मैच करवाने होंगे तो आप अपने कैलकुलेटर भी निकाल कर रखना, तो आपको बोला करेंगे जल्दी से आप कैलकुलेट कर लोगे ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस लिखवाना हमारा मोटिव नहीं है, उनको करना हमारा मोटिव है। तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, मैं तो बस इनके हिंट देता चला जाऊँगा कि ये फार्मूला लगना है, ये था, ये इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जो जल्दी होते होंगे वो यहीं पे कर लेंगे, जो देर लगने वाले न्यूमेरिकल्स मतलब कई बार कैलकुलेशन लंबी होंगी ना उसको यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने घर पे आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसको कवर अप जरूर करोगे। ओके, समझ के चलो, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने क्या स्टार्ट कर दी, मान लो कि सिलेबस की हम कौन सी स्टेज में चल रहे हैं, लास्ट स्टेज, बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ द सिलेबस है प्लस टू का, जिसमें सिर्फ हमारे पास कितने चैप्टर बचते हैं, तीन ही चैप्टर बचते हैं। एक कौन सा, ड्यूअल नेचर, दूसरा एटम एंड न्यूक्लियाई, इसको मैं इकट्ठे मानता हूँ, और एक आ जाएगा फिर आपका लास्ट में बेटा सेमी कंडक्टर, जिसमें ड्यूअल नेचर हमने कवरअप कर दिया हुआ है। अगर हम टास्क ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ टॉपिक्स ही कवरअप करते हैं, तो हफ्ते का काम भी नहीं बचा, एटम न्यूक्लियाई प्लस सेमी कंडक्टर कुल मिला के हफ्ते और 10 दिन का काम भी नहीं बचा, अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी की बात करें। अब हमारे पास टॉपिक छोटे छोटे हैं, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसका वर्कआउट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अब हमने एक 78 क्वेश्चंस की क्या की है, असाइनमेंट कवरअप की, साथ के साथ ही हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवरअप करने जा रहे हैं। ओके, अब एक बात अपने दिमाग में बेटा डाल लो, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई में ज़्यादा नंबर लेने चाहते हो, यानी 90 की लाइन में नंबर लेना चाहते हो, 90 की लाइन में अगर नंबर चाहते हो, तो एनसीईआरटी के बिना आपके नंबर 90 की लाइन में आने नहीं है। जो भी किताबों में असाइनमेंट बनती है, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी सैंपल पेपर आएंगे, जो भी पेपर बनेंगे, बेस क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। अब थोड़ा सा फोकस जो ना लास्ट में आकर, वैसे भी हमने एनसीईआरटी बेस्ड ही कराया, लेकिन लास्ट में आके ज्यादा फोकस किस तरफ कर दिया मैंने आप लोगों का, एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा ज्यादा कर देना आप मैंने। अब हमने एनसीईआरटी करनी है, करनी है मतलब करनी है, अगर एनसीईआरटी करोगे तभी तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा, अगर एनसीईआरटी करोगे तभी तुम्हें जन्नत नसीब होगी, अगर एनसीईआरटी करोगे तभी तुम्हें ये 90 प्लस नसीब होंगे। ओके, यही तुम्हारा स्वर्ग है और यही तुम्हारी क्या है, जन्नत है। तो अगर जन्नत में पहुंचना है, मतलब जन्नत में लोग खैर मर के पहुंचते हैं, स्वर्ग में भी मर के पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको स्वर्ग चाहिए भाई तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या किया है, इस चैप्टर के साथ एनसीईआरटी हमारे क्लास का जो टॉपिक चल रहे हैं ना उसी में जोड़ दिया। एक ये चैप्टर हो गया, इसके एनसीईआरटी के अभी हो जाएंगे, अगले के भी साथ के करा दूंगा, सेमीकंडक्टर के भी साथ के साथ ही करा दूंगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा विदाउट एनी गैप, और रिवीजन में फिर हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर एनसीईआरटी दोबारा कर रहे हो।
ठीक है जी। तो अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो अपनी बात देखो बन जाएगी। तो मैं कह रहा था इस चैप्टर में, बाकी बातें बाद में करते हैं, स्टार्ट करेंगे, दो दिन लग जाएंगे बेटा हम इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर अप करते करते। तो मैं फार्मूलाज की बात कर रहा था, जिन्होंने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए अपने फार्मूले नोट कर लो, एक तो ये यूज होगा एक ये यूज होना, राइट है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज होनी है आइंस्टाइन की मेनली, वो क्या कहती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या इसको ईमैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, ईमैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर बेटा सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, जाउल्स में लेकर चल रहे हैं, तो इसी फॉर्म में यूज हो जाएगा ये, ओके। इसको ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही इक्वेशन बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके भी यूज हो सकती है, यही सीधा एसआई में भी चलती रहेगी। तो आपके ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में यही है, यही फार्मूले चल रहे हैं। और उसके बाद बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट टू इंटू एम इंटू ई, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। ये चार फार्मूलाज का आपको क्या लिखवाया था मैंने, सेट लिखवाया था, या फिर ये यूज होने, ठीक है जी, या ये यूज होंगे, या फिर एक और क्वेश्चन था, एक और फार्मूला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, आंसर सीधा किसमें जी, एंगस्ट्रॉम, ओके जी। तो ये यूज होना है। अब पहले तो ये बताओ, क्या सब बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक पार्ट वन एंड पार्ट टू अवेलेबल है? अभी नहीं, आपके पास घर पे होनी चाहिए, सबके पास है। स्टार्टिंग में भी बोला था बेटा एनसीईआरटी लगेगी, एंड में फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी लगेगी। बीच में हमने एनसीईआरटी ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत हैवी था, एनसीईआरटी के जितने का क्वेश्चन मैं करा सकता था मैं बीच में कराता रहा हूं, अपने टॉपिक के हिसाब से बीच में हम कवर अप करते रहे हैं। अब लास्ट में आकर बेटा समझ लो, अब सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, जल्दी सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो आप सबने बोला, एक बार हाथ खड़े करके बताओ, एनसीईआरटी बुक किस किस के पास है ये बताओ, हाथ खड़े करो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 सबके पास है, निकाल लो अपनी बुक। आज ही जाकर आपने क्या करने हैं, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देने। हिंट मैं यहाँ पे दे जाऊँगा, शॉर्ट में सारे हिंट नोट कर ले जाना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी जब आप देखते हो ना, उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएंगे बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट मतलब जब एग्जाम्पल्स बोलते हैं उसको, सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी होते हैं, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो हम यहां पर क्लासरूम में जो कवर अप करेंगे ना, सॉल्व एग्जाम्पल प्लस बैक एक्सरसाइज दोनों कवर अप करेंगे। अच्छा, बैक एक्सरसाइज में एक होते हैं मेन क्वेश्चन और एक होते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एडिशनल वाले हम सारे नहीं कवर अप करेंगे, उसमें से मैं छांट कर लेकर अपने आप आकर करवा दूंगा कि ये काम का ये कर लेते हैं, ये काम का नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है, राइट है जी। तो बैक एक्सरसाइज सारी, सॉल्व एग्जांपल सारे, और एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अब आपको करवा दिया करेंगे। अब पहले तो ये बताओ, कर दे स्टार्ट, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना है आप लोगों के, ठीक है, जो बीच के एग्जाम चल रहे थे वो भी लगभग सबके क्या हो गए, खत्म हो गए, एक आधे का बचा होगा। अब अगर आप इसको पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करते हो तो ये बताओ मेरे को, थोड़ा जवाब देना सारे के सारे, क्या आप एनसीईआरटी बुक करने जा रहे हो कि नहीं करने जा रहे हो अपने लेवल पे? मैं तो करूंगा अपने लेवल पे, उसको ट्राई करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अब सिलेबस की मत चिंता करो कि चैप्टर रुक गया, ये मत सोचो, सिलेबस तो मतलब अब खत्म हो गया, ऑप्टिक्स खत्म होते ही हम मान लेते हैं कि सिलेबस क्या हो जाएगा, अब आराम से खत्म हो जाएगा। मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, अब क्वेश्चन की संख्या क्या करवा रहा हूँ, ज़्यादा करवा रहा हूँ, और टॉपिक्स तो थोड़ी सी है, वो अपने आप चलते चलते रहेंगे। तो बोलो जी, करें स्टार्ट, कैलकुलेशन करनी है अभी की अभी, ठीक है, सबने नोट करना है। लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, आप घर पे जाके उसको क्या कर लेना, कैलकुलेट करना है। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ना, आज अगर हमने 10 क्वेश्चन किए तो आपको घर पे जाके वो 10 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, ठीक है, दो दिन में हम कवर अप करने की कोशिश कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पास में रखना, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आएंगे आपके पास, सॉल्व क्वेश्चन है 5 to 6, इसमें क्या है, ड्यूल नेचर और मैटर वाला जो चैप्टर है, इसके क्या है, सॉल्व क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर चीजें मैं इसमें से करवा ही चुका हूं, एक लंबी असाइनमेंट करके हटे हो आप 78 क्वेश्चन वाली, तो उसके दम पे वैसे ही आपके माइंड में फार्मूलाज क्या हो गए होंगे, रट गए होंगे, ओके जी। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी क्या दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी लेजर प्रोड्यूस कर रही है, द पावर इज एमिटेड, ओके, पावर भी इसकी दे ही रखी है,
व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम. सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी किसमें दे रखी है बेटा? हर्ट्ज में. पावर भी दे रखी है. सबसे पहले इसने ये पार्ट में क्या पूछ लिया? एनर्जी ऑफ द फोटोन. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैं करवा नहीं रहा, सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ रहा हूं. आपको क्या लिख देना है? H into nu पुट कर देना है. ठीक है, E is equal to H into nu. H क्या है जी आपका? बोलो, H is Planck's constant. Nu क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी. अगर बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना हर्ट्ज में, तो आप वो 1 2 3 7 5 बाय लैम्डा लगाने की कोशिश ना करो, फिर चुपचाप क्या लगाओ? E is equal to H nu लगाओ. आंसर सीधा किसमें आ जाएगा आपका? जाउल्स में आ जाएगा. ठीक है, तो इसको आपने बेटा अपने आप कवर अप करना है. आंसर किसमें आएगा? जाउल्स में आ जाएगा. पहले ही क्वेश्चन, सीधा ही क्वेश्चन, फिर भी मैंने किसी से पूछा एच की वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो. अगर एच की वैल्यू बता दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा. अगर अब इतना कुछ करके एच ही नहीं बता पाओगे तो फिर कहां से होगा? ओके, हु विल टेल द वैल्यू ऑफ एच? सुमन बता भाई. -34. 6.63 into 10 is power -34. थोड़ा बेटा रिस्पॉन्स चाहिए, थोड़ा बोलना बोलना शुरू कर दो. अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हो रहा है? बोल के बताना, ये क्वेश्चन हो रहा है, कर लोगे? पर छोड़ना नहीं है, ये सोच कर कि हो जाएगा. छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. मेरा काम यहाँ पे कैलकुलेशन कराना नहीं है. थोड़ा सा आप जितने भी है ना, आपका बेटा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करवाना है हमने कि भी हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है. तो इसलिए थोड़ा सा ना साथ दो और क्वेश्चंस को कवर अप करो. बोलो, छोड़ दूं क्वेश्चन ही हो जाएगा? E इक्वल टू एच न्यू, एनसीईआरटी बुक सबके पास है, उसको खोलना भैया. वहां पर सॉल्व क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है. ओके जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखी है बेटा? बी पार्ट में इसके पावर दे रखी है. कितनी दे रखी है पावर जी? इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ वाट. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन एंड हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड आर एमिटेड बाय द सोर्स? ओके, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने हो और पावर दे रखी हो? तो पावर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड के बीच में कौन बता रहा है जी? हाथ खड़े करना, रिलेशन. यस लक्ष्य, बोल भाई. P इज इक्वल टू एम एच न्यू. आपको सिंपली बेटा क्या करना है? P इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू पुट करना है. यहां पर P क्या है? पावर. अब यहां पे देखो क्वेश्चन की खास बात, एच न्यू आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो, आपको एच न्यू दोबारा कैलकुलेट नहीं करना. अब यहां पर बोलो, पॉइंट समझ गए ना? एच न्यू तो फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया होगा. ओके, यहां पे जो भी फर्स्ट पार्ट में एच न्यू निकाला होगा आप उसको पुट कर देना. तो एन किसके इक्वल आएगा? पी डिवाइडेड बाय एच इंटू न्यू. पावर दे रखी है, एच न्यू फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, आप लोगों ने देखो अभी अभी बोला है कि यस हम लोग जाके ट्राई करेंगे. अब पॉइंट ये है, क्लास में करा देने से कुछ नहीं होता, जो भी काम है आपको खुद ही करना पड़ेगा. ओके, हम सिलेबस को बिल्कुल होल्ड पे ले गए हैं कि भाई जितने क्वेश्चन कर सकते हो अभी के अभी कर लो, जितना यहाँ पे कराया जा रहा है उसको नोट कर लो. बाकी इसका सॉल्व क्वेश्चन है, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं. नोट करना चाहो आंसर भी इसके नोट कर ही सकते हो, जिसने कर लिया होगा मैच भी उसका हो ही जाएगा. तो यहाँ पे बेटा हम सॉल्यूशन में टाइम खराब नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था, ये जो सेकंड पार्ट था ना इसका बेटा, अब देखो ये आप लोग जितने भी बैठे हुए हो ये आपके लिए इजी है, आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन. ये तो चलो कॉमन क्वेश्चन है, इज इक्वल टू एच न्यू सबको पता लग जाएगा. ये तुम लोगों के लिए इजी हो गया क्योंकि भाई तुमने ऐसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट में देख लिए, कर लिए, पता लग गया पावर वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे कवर अप करना है. सबके लिए मे बी ये इजी ना हो, जो करेगा भाई उसके लिए इजी है ना, तो सबके लिए इजी नहीं होगा. बोलो जी, नोट कर लिया? ठीक है प्रिया, तू हाथ बांध के बैठी है, कर लिया ये नोट? आंसर भी मैच कर लिया तेज है भाई, आंसर भी मैच कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हाथ इसके ऐसे ही है. चलो ऐसे तेज बनो प्रिया की तरह. 11.2 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जितना होता होगा मैं यहाँ पे करा जाऊंगा, अगर यहाँ पे आंसर निकलता होगा हम निकाल लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे बस हिंट देकर. द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सीजियम का बेटा वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, क्या चाहिए जी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जल्दी बताओ, अगर वर्क फंक्शन दिया होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? एच न्यू नॉट के इक्वल होता है कि नहीं? वर्क फंक्शन ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, यही किसके इक्वल होता है? एच न्यू नॉट के इक्वल होता है. तो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 2.14 इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट. न्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 2.14 डिवाइडेड बाय एच. ओके, क्या ऐसे ही करना है कि थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज वेंज भी करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा.
आपको वर्क फंक्शन किस में दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जब आप एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू लगा रहे हो बेटा, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, जाउल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो छोटी छोटी सी बातें, ओके। अगर किसी और टाइप का क्वेश्चन होता तो मे बी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सीधा निकाल रहे होते, लेकिन इसमें क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। ये किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मुझे पहले इसको जाउल्स में कन्वर्ट करना चाहिए था। जाउल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ई से। ई का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹. तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 2.14 × E/h। ऐसे करोगे, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ऊपर नीचे का खेल गड़बड़ तो नहीं कर दिया, सही है ना। 2.14 है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जाउल में कन्वर्ट किया, इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज इक्वल टू 2.14 E/h। वैल्यू पुट करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है लक्ष्य, हो जाएगा, ओके। यहां पे आप गलती भी कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो, वेवलेंथ निकालनी हो तो हम डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले किस में जाना चाहिए आपको, जाउल्स में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ यानी ई से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ओके जी। घर पे जाके करने पड़ेंगे, ऐसे यहां पे बैठ के मतलब सिर्फ नोट करने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम यहां पे हिंट देना है आपको, सॉल्व अपने आप कर एंड तक इसके आंसर को पहुंचाना होगा। मॉडर्न फिजिक्स की खास बात, इसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे कैलकुलेशन मांगेगा, माइन्यूट कैलकुलेशन। माइन्यूट मतलब 10⁻¹⁴, ये सब आपको कटिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी बड़ी माइन्यूट कैलकुलेशन, अभी तो हम कैलकुलेटर से करेंगे, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो आपको माइन्यूट कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज करके बताओ, सिंपल था, क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ओके। अब इसके अगले पार्ट पे आओ, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट, ओके। ये नोट हो गया, इसको रब कर दूं, ये वाला नोट हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। सेकेंड पार्ट को ध्यान से सुनना, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी हमें लैम्डा निकालनी है इंसिडेंट लाइट की, ध्यान से सुनना, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने, 0.6 वोल्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ई मैक्स इज इक्वल टू 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसको समझ में लगा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती होती है। ये तो हमने कई बार कर लिया, सीधा ही आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई मैक्स। जल्दी बोलो, क्लियर है, बोर्ड पे देख के बताओ, ये क्लियर है। ये चीज क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सीधा मुझे कितना दे रखा था, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, जवाब दे दो सही है, प्लस ई मैक्स 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो यहां से बेटा जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी 2.14 प्लस 0.6 करना जरा, 2.14 प्लस 0.6 2.74 आ गया, चेक करो 2.14 ये किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा ये किसकी एनर्जी आई, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई। बोलो जल्दी बताओ, यहां तक तो क्लियर है, ये किसकी एनर्जी आई, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई। मांगा क्या उसने, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ मांगी। देखो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, को बताएगा क्या मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अवेलेबल है, एनर्जी चाहिए तो सीधा किस में, सॉरी वेवलेंथ चाहिए तो सीधा इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 1.2375 / λ, वो किस में आ जाएगी, सीधा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, और ये आ जाएगा 2.74, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दैट मीन्स लैम्डा इज, इसको कैलकुलेट करना भी, कैलकुलेट निकाल लो, अभी मैच करेंगे 1.2375 / 2.74, ओके। मारना जरा कैलकुलेटर भाई, कितनी क्यों रहे, 4516.42 एंगस्ट्रॉम आ गई, यानी कि 451.6 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर में अगर निकालना हो तो 451.6, ओके। इसका आंसर चेक करें, देखो जरा आंसर आ रहा है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर 454 नैनोमीटर, और यहां पे आ रहा है 451, हमने थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया हुआ है ये वाला, तो इसलिए 450
4 नैनोमीटर से थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं, हमारा 452 आ रहा है, लेकिन ये भी क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया, ओके थोड़ा सा फर्क है लेकिन ये सही मान लिया जाएगा। बोलो सही है, अगर एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो बिल्कुल नजदीक की बात हो जाएगी। ओके ठीक है, कितने क्वेश्चन कवर अप कराए हमने, तो पहले तो ये बताओ इतने मतलब बेटा क्वेश्चंस चलेंगे तो करनी पड़ेंगे। अब ये बताओ एक्टिवली कौन कौन इसको अभी नोट भी कर रहा है, कर इतने मतलब रोते हुए चेहरे क्यों बनाए हुए तुम लोगों ने, मुमताज क्या हुआ, नोट कर रहे हैं सारे भाई, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, जब तक तो थ्योरी चलती रहती है ना, थ्योरी वर्क चलता है तो बड़े मजे आ रहे होते हैं, ठीक है सब समझ में लग रहा है, बीच में मजाक भी चल रहा है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन बेटा जब न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस चलेंगे तो आपको काम कवर अप करना ही पड़ेगा, तो इसको थोड़ा पॉजिटिवली थोड़ा हंसी खुशी से कवर अप करो, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए हुए कैसे काम चलेगा। ये दो के दो क्वेश्चन आपने जितने कराए उतने नोट किए कॉपी में, कॉपी चेक होगी पहले बता रहा हूं मैं थोड़ा सा ना, देखो जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रिक्टनेस और काम करने का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, सिलेबस खत्म हो रहा है तो ढीले पड़ जाओ, ढीले पड़ जाओ, उसके बाद कह दो कि यार आप अपने आप काम कर लेना, डाउट पूछने आ जाया करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसके अगले दिन ही विदाउट एनी गैप, एक दिन का भी गैप नहीं देंगे हम, अगले दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन स्टार्ट होगी, और रिवीजन जो है जिस जोर शोर से सिलेबस कराया गया उससे ज़्यादा जोर शोर से स्टार्ट होगी। जितना जोर हमने सिलेबस कराने में लगाया उससे ज़्यादा जोर किस में लगेगा, रिवीजन में लगेगा, क्योंकि असली चीज़ निकल कर कहाँ आनी है, रिवीजन में निकल कर आनी है। आपने पहले जितनी मर्जी बेटा मेहनत की हो, पिछले ये लगा लो हमने 20th of March को आपका क्या कर दिया था, सिलेबस स्टार्ट कर दिया, 20 March को सिलेबस स्टार्ट हो गया, ओके अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की 20 हो गई, 25 हो रही है आज लेकिन चलो 20 हो गई, 6 months कवर अप हो गए, एक महीना अभी हमने नाना करते हुए और खत्म खुतम कराने में सिलेबस लगा देना, एक महीने का बचा नहीं है फिर भी एक लगा देना, 7 months हो गए, उसके बाद अभी भी 3 महीने बचेंगे। अगर 3 महीने आप टाइट नहीं रहे और आपने काम नहीं किया तो आपकी 7 months की मेहनत भी क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी, 7 महीनों की मेहनत। और अगर आपने 3 महीने पढ़ाई कर ली ढंग से, गुंताज कह रहा मैंने तो हंस रहा, कह रहा मैंने तो पिछले 7 महीने में ऐसे कोई मेहनत नहीं की कि जो मिट्टी हो जाए, अब तेरी बात ही करने जा रहा था कि मैं कह रहा था अगर आपने पिछले 7 months में, मतलब दोनों तरीके बातें करनी पड़ेगी ना, तो भाई जिस बच्चे ने पिछले 7 महीने खूब मेहनत की, सिलेबस किया, न्यूमेरिकल किए, लेकिन 3 महीने में ढीला पड़ गया आखिरी के, तो उसके सातों के 7 महीने खराब होने वाले। और जिस महीने में पिछले 7 महीने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं की, ऐश परस्ती की है, वो अगर 3 महीने मेहनत कर लेगा तो पिछले 7 months में जो पाप किए हैं सारे धुल जाएंगे, गंगा नहा जाऊंगे। तो सबके लिए ये अगले 3 महीने क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है, जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी, और जिसने पहले नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी ना पढ़ा हो तो भी, अगर आप 3 महीने लास्ट के क्लासेस तो लगाई है ना, रेगुलर रहे हो, आते रहे हो, कुछ तो पता ही है ना, तो आखिरी के 3 महीने बेटा करोगे तो सही में सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसलिए आज से क्या करो बेटा, कवर अप तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, काम तो कवर अप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन करो, और ऐसे मतलब बिल्कुल रोते हुए से चेहरे बनाकर क्वेश्चन मत करो, मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछने जा रहा हूँ, ठीक है जी। दो क्वेश्चन कवर अप किए, वैसे ही पूछ लिया जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आंसर नहीं दे पाएगा, मैंने उससे ही पूछ लिया कि पावर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने गुंतास से पूछा, गुंतास पावर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो रिलीज होते हैं, अभी क्वेश्चन भी किया 2-4 बार आया, ये थोड़ा सा अलग सा फार्मूला है, क्या रिलेशन है बता दे चल, P is equal to nh nu, सही है भाई। अगर ये क्वेश्चन लेट किस्मत ठीक रही, सेम ही फार्मूला पे बेस बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हो जाएगा ना, ने बता दिया कि पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है, हमने घर पे जाके बहुत नहीं पढ़ा होता लेकिन क्लासेस अटेंड की होती है, क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन चले होते हैं कि वो वहां पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि क्लास में किया हुआ था, उसी के दम पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो बताया पी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू, ओके 11.3 क्वेश्चन, थोड़ा स्लोली करा दूंगा, ध्यान से सुनना, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन की बजाय 3 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया हमने, अब मुझे सिलेबस कराने की टेंशन नहीं है, सिलेबस दौड़ाने की जल्दी नहीं है, अब चेक करने की ज़्यादा मेरे को टेंशन है कि यार तुम काम कर रहे हो के नहीं कर रहे, तो चेकिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, बाकी सिलेबस अपना निपटा हुआ है, उसकी टेंशन ही हमें नहीं रही है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर, बेटा विजिबल के ना उसने
डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी वेवलेंथ दे रखी है, कह रहे हैं कि 390 नैनोमीटर फॉर वॉयलेट, कैलकुलेटर निकाल के रखना, कैलकुलेट करवाएंगे। वॉयलेट की 390 नैनोमीटर है, इसकी 550 है, और इसकी रेड कलर के लिए कह रहे हैं कितनी है, 760 नैनोमीटर है। वट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांग ली उसने एनर्जी, वट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट वॉलेट एंड येलो ग्रीन कलर एंड रेड, मतलब जो तीन वेवलेंथ दे रखी है उसकी क्या मांग ली उसने, एनर्जी मांग ली। ओके आप मेरे को फार्मूला बताओगे, कोई बच्चा बता दे हाथ करके इसमें कौन सा फार्मूला बेटर रहेगा, उसने नैनोमीटर में वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा मांग रहा है, हैंड रेज करो तो बताओ क्या फार्मूला यूज कर दे। एक और कोई बच्चा, दो और कोई बच्चा, तीन चार, यस महक बोलो जी कौन सा फार्मूला लगाए, ये कह रही है कौन सा लगा दो, 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा लगा दो, लेकिन लैम्डा तो एंगस्ट्रॉम में चाहिए होती है, यहाँ तो इसने क्या दे रखी है, नैनोमीटर में दे रखी है, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है कि बड़ा आसान सा काम है, बड़ा आसान सा काम है, ये नैनोमीटर को मीटर में करो, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना 39010 और लगा दो। ओके ये भी एंगस्ट्रॉम में कितनी हो जाएगी, 700। तीनों की जो एनर्जीज है ना जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, ये अभी चाहिए हमें, ये मैंने एनर्जी लिखनी थी, तीनों की एनर्जी निकाल दो और मेरे को बताते चले जाओ बेटा। फर्स्ट केस में एनर्जी क्या आएगी, सेकंड केस में क्या आएगी, और थर्ड केस में आएगी, अब तक कैलकुलेट कर लिया होगा, बोलना भाई पहले की, दूसरे की और तीसरे की, आपने क्या लगाना था, 12375 फर्स्ट केस की वेवलेंथ कितनी थी, 3900, सेकंड की अपने आप लगा लो, थर्ड की अपने आप लगा लो, बोलना भैया क्या लगाया आपने, 12375 3900। बेटा बता दो इतनी देर में तो आ गया होगा आंसर, एक मिनट वेट करना, मैं पहले अब लिख ही दूँ, यहाँ क्या लगाना था 550 और थर्ड में 12375 डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या लगाना था हमने 760। ओके चलो बताओ जी फर्स्ट की एनर्जी कितनी आ गई, 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंफर्म करते रहना। सेकंड केस में यानी इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी आ गई, 550 वाली की, यस yes, ये 50 है, ठीक है 2.25, श्योर है जी, मतलब दो बच्चे करते रहना यार आपस में मैच कर लेना। ओके थर्ड केस में एनर्जी बता दो, 1.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अब फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ उसने क्या मांग ली बेटा, एनर्जी मांग ली, आप क्या एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी लगाते थे, वो कैलकुलेशन बड़ी लंबी ले जाएगा, लगभग वही आंसर आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, यही लगाना है हमने। ओके लग गया, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, व्हाट आर द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एट वॉयलेट एंड येलो ग्रीन एंड, तीनों की एनर्जी आ गई, उसने एच दे रखा था, हमने एच यूज ही नहीं किया, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, जल्दी बताओ बेटा इधर वाले बच्चे क्लियर है सबको, सही में आप इन्वॉल्व होकर सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो आज मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन में चार करा रहा हूँ, 10 हो रहे हैं, सिलेबस कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बातें निकल गई, अब सिलेबस कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा वाली बात अब निकल गई, वो स्टेज मैंने पार कर ली, अब तो सिलेबस हो गया मेरा, राइट। अब क्या चीज है, अब ये है कि मेरे बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो पहले भी देखना होता था लेकिन अब तो ज्यादा देखना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा कि आप सारे कर रहे हो काम के नहीं कर रहे हो। ओके तीनों एनर्जी आ गई, सबने कैलकुलेट किया है, जिसने मुझे आंसर दिया उसके अलावा भी कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ओके मान लो कैलकुलेट कर लिया, चलो बढ़िया बात है, अब अगले पार्ट पे ध्यान देना, अगले पार्ट पे ध्यान देना, कहता है फ्रॉम विच फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स विद वर्क फंक्शंस लिस्टेड इन टेबल 11.1, ये बुक का एनसीईआरटी बुक का 11.1 टेबल है, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था ना तो आपको ये टेबल दिखाया था, ये वाला याद करो कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते हो कि सबका ऐसे ऐसे करके वर्क फंक्शन होता है, तो आपको ये टेबल दिखाया था उस वक्त भी, यहां पर फिर से आ गया। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा, मतलब उस टेबल में से कौन सा मटेरियल यूज करें कि वो इन तीनों लाइट से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दे, कि फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटीरियल विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1 यूजिंग रिजल्ट ऑफ दिस कैन यू बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विद विजिबल लाइट, दैट ऑपरेट्स विद विजिबल लाइट। आप तीनों एनर्जीज नोट करके रख लो, ठीक है, सबसे कम कौन सी है, रेड की है 1.62, सबसे ज्यादा कितनी है 3.17 है, बीच वाली कितनी है 2.25। ओके लिखवाना जरा मेरे को, पहली वाली एनर्जी कितनी थी 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई हुई है, दूसरी बताना कितनी थी 2.25, और तीसरी बताना कितनी थी 1.62, श्योर है ना। ओके अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले कौन है,
सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.14, पोटेशियम का कितना है 2.3, तो जो पहली वाली है वो कितनी है 3.17, ठीक है। फर्स्ट कौन सी वाली थी, वॉयलेट, वॉयलेट की कितनी थी 3.17, वॉयलेट लाइट इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा देगी, इसमें भी करवा देगी, इसमें भी करवा देगी, और 3.17 ये 3 point क्या हो गया 2 हो गया, इसमें नहीं करवा पाएगी। जल्दी बोलो समझ में लग गया कि नहीं, आगे वाले किसी में नहीं करवा पाएगी, जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आपने वो जो विजिबल लाइट यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना था, तो विजिबल लाइट में एक एंड पे कौन है वॉयलेट, दूसरे एंड पे कौन है रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा यानी एनर्जी सबसे क्या है कम, वॉयलेट की एनर्जी सबसे क्या है ज्यादा है। जल्दी बोलो समझ गए ना, वॉयलेट की एनर्जी सबसे क्या है ज्यादा है। अब वॉयलेट की ज्यादा से ज्यादा 3.17 आ रही है कि नहीं, मतलब विजिबल लाइट की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। याद करो मैंने लिखवाया भी था 1.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखवाया था ना विजिबल लाइट की, तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगर आपने विजिबल लाइट का यूज करना है तो आप 1, 2, 3 ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई मटेरियल यूज नहीं कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि विजिबल एंड का लाइट की मैक्सिमम एनर्जी 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा ही नहीं पाएंगे। किसको समझ में लगेगा, पक्की बात है, ठीक है, ओके। अगर विजिबल पार्ट का कौन सा यूज कर रहे होते हैं, सेकेंड वाला येलो ग्रीन रीजन, तो येलो ग्रीन रीजन इसमें से नहीं करवा पाएगा, वो सिर्फ सीजियम और पोटेशियम में से ही करवा पाएगा, पोटेशियम में से भी नहीं होगा 2.25, पोटेशियम में से भी नहीं होगा, सिर्फ किसमें से करवा पाएगा सीजियम में से ही करवा पाएगा। अब जल्दी बताओ बात बनती हुई दिख रही है कि नहीं, और जो आपकी रेड लाइट है उसकी तो कितनी आ गई बेटा 1.62, स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है 2 point, यानी रेड पोर्शन जो है रेड लाइट है वो तो किसी भी मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के काबिल नहीं है, और जो विजिबल है वो इन 3 में से करवा पाएगी, उसके अलावा इनमें से किसी में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा पाएगी। इनमें करवाने के लिए तुम्हें विजिबल से भी आगे अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेडिएशन क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। बोलो समझ गए। तो एनसीईआरटी बुक के बारे में मैं शुरू से बोलता हूँ, जब भी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाता रहा हूं तो ये बोलता हूं कि एनसीईआरटी बुक की भाई यही खास बात है, वो आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा पूछेगा, फार्मूला पूछेगा पूछेगा, फार्मूले से कैलकुलेशन आपकी चेक करेगा करेगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट भी लेकर आएगा जो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। अब कम से कम आपको ये याद रहा ना कि जी अगर विजिबल लाइट यूज करते हो तो उसमें से जो विजिबल लाइट है 3 ही मेटल्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पा रही है, और जो रेड पोर्शन है रेड लाइट वो तो किसी का भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा पा रही। बोलो जी, 3 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन समझ में तो लगे, सबको लग गए, जिन्होंने क्लासेस पूरी तरह से अटेंड नहीं की उनको भी पता लग गया, कुछ नहीं है, फार्मूला वही लग रहा है इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, थोड़ा सा एफर्ट मारो, थोड़ी मेहनत करो, बात बनेगी आप लोगों की। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अपने आप पढ़ो जी, देखते हैं कैसे करते हो, क्या आंसर देते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल्स का कहता, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ दिस। ओके, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है, बॉल का मास दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, क्या मांग रहा है जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ मांग रहा है, बस मुझे इतना बताना है फार्मूला कौन सा यूज करना है। यस गुन बोल भी, फार्मूला कौन सा यूज करना है, नहीं ये सब नहीं लगना, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यस एच ओवर एम वी, बिल्कुल सही है बेटा। यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का सबसे बेटा क्या चाहिए, सिंपल वाला फार्मूला चाहिए था, एच डिवाइडेड बाय एम इंटू वी, ठीक है, दो बार करना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तो ये बोलकर आगे बढ़ जाऊंगा कि क्या यूज कर ले भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यूज कर ले, लेकिन ये आएगा तभी जब अपने हाथों से इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट में चलो बता दो, जब मैंने इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए एच तो चलो 6.6 × 10⁻³⁴ पुट कर दूंगा, बताना जरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है सबको कि नहीं, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, चार्ज नहीं बोला, 9.1 × 10⁻³⁹, सॉल्व करना बेटा तुम्हारा काम, ओके सॉल्व करना आपका काम है। और जब बॉल की बात कर रहे हैं, बॉल का मास कितना है,
150 ग्राम उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये मीटर पर सेकंड में दे रखिए, जल्दी बताओ सिंपल सीधा सादा क्वेश्चन है कि नहीं है जी। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सीधा सादा आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बिल्कुल सीधा। वहां पर अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो आपको वाकई ये सिंपल सीधा सादा ही लगेगा कि वो बड़ा आसान आ गया, लेकिन अगर हमने नहीं किया हुआ तो वहां पे एक तो जब एग्जाम में बैठे होते हो ना, बड़े एक तो प्रेशर सिचुएशन होती है कि भी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, ये है फलाना एग्जाम चल रहा है, तो एक तो प्रेशर सिचुएशन होती है, ऊपर से ये तो आपको पता है कि डी ब्रोगली वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो फार्मूला सीधा माइंड में आ रहा है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन वहां पर पूरे के पूरे चैप्टर्स में से जब पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा तो मे बी आप वहां पर क्या हो जाओ, कंफ्यूज ही हो जाओ। तो इसीलिए प्रैक्टिस करके रखो, आपको ऐसा लगे कि जैसे किया हुआ क्वेश्चन ही आ गया। तो इसको सॉल्व करके बेटा आंसर जरूर मैच करना, कल कॉपी चेक करूंगा भाई कि जितने क्वेश्चन करा दिए उसने आपने कॉपी में कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। छोड़ दे इसको क्वेश्चन को, ओके। अब इसमें आंसर ठीक है, आप अपने आप चेक कर ही लोगे, अगले क्वेश्चन पे चलते, रीड करो, पूछ रहा हूं मैं फिर से कि कैसे कवर अप करना है इसको। ये एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन, कौन कौन दे रखा है भैया, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है अल्फा पार्टिकल और एक कौन है प्रोटोन। विच ऑफ दीज पार्टिकल है शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी क्या है सबकी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई यूज कर लोगे, राइट है जी। एच सबके लिए सेम है, एनर्जी तीनों की क्वेश्चन में क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, तो बेटा लैम्डा सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल बचा, एम के प्रोपोर्शनल बचा ना, सिर्फ एम के प्रोपोर्शनल बचा। अब सीधी सी कहानी है, जिसका मास सबसे कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम। इसने क्या पूछा, शॉर्टेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट किसकी होगी, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा। अब आपको यह क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में से मास सबसे ज्यादा किसका है, कौन बता सकता है, यस भी नयन ने बता दिया, मास सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, अल्फा। तो अगर मास अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम किसकी आएगी, अल्फा पार्टिकल की आएगी। तो आंसर भी आ गया सही है, अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम आएगी। जल्दी बताओ रीजन पता लगा कि नहीं, क्या रीजन है, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, ओके। अब कई बच्चे सोच रहे हैं यार इसका मास सबसे ज्यादा कैसे, ये किसने बताया, क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोलो, अभी अभी बताया था तुम लोगों ने 9.1 × 10⁻³। ध्यान से सुनना बेटा, तीन चार पार्टिकल का नाम बार बार आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ये चार पांच नाम बार बार आते हैं, कई चैप्टर में घूम घूम कर आते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इन चारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये इनसे अलग चीज है, इसका मास सबसे कम है, पहली बात तो ये मान लो। इलेक्ट्रॉन इनकी कैटेगरी का पार्टिकल ही नहीं है, ये सारे सेम कैटेगरी के हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकता इसका, इसका सब मास जो सबसे कम है, सबसे कम किस ऑर्डर का, -31 kg, 9.1 × 10⁻³ kg, वो अलग ही चीज है, सबसे कम तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का, बोलो समझ गए। फिर बचते हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन, प्रोटोन न्यूट्रॉन का मास, जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर आगे स्टार्ट कर दूंगा वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंशिएट करवाया करूंगा, बोलूंगा भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में हैवी है, लेकिन वैसे इन दोनों का मास लगभग सेम होता है। और कितना होता है, इन दोनों का मास हम क्या मान के चलते हैं, वन एटोमिक मास यूनिट 1.67 × 10⁻³ kg, 1.67 × 10⁻²⁷ यानी 27 kg, ठीक है जी। वो अलग चीज है, वो -31 बहुत लाख गुना फर्क हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, चार जीरो का फर्क है, चार जीरो का मतलब 10,000 टाइम फर्क हो गया, ठीक है, लाइक नहीं 10,000 टाइम्स का फर्क हो गया, वो अलग ही चीज हो गई। इन दोनों का मास लगभग सेम है, जल्दी बोलो सही है। न्यूट्रॉन का मास, इट इज 2 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 2 × 1.6 × 10⁻²⁷ kg, जल्दी बोलो समझ गए। आपको याद नहीं रखने, इन सब क्वेश्चन में याद रखने की जरूरत नहीं होती, आंसर ऐसे ही आ जाता है, लेकिन जल्दी मैं बिल्कुल फुल डिटेल में बता रहा हूं, आगे फिर काम आएगा, जल्दी बताओ क्लियर हो गया। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 और चार्ज इस पे कितना होता है, +2, ओके, एटॉमिक नंबर
तो मास नंबर 4, तो 4 AMU, जल्दी बताओ। ठीक है, सबसे हैवी कौन हुआ? सबसे हैवी कौन हुआ? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 4 AMU, न्यूट्रॉन 2 AMU, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम, 1 एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन चीज ही लग, उसका तो मास ही सबसे क्या था कम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम किसकी आनी थी इन सब में से? अल्फा पार्टिकल के, अगर एनर्जी सेम है तो। कंडीशन क्या थी? अगर एनर्जी सेम है, ठीक है, अगर कुछ और कंडीशन होती तो फिर कुछ और सिचुएशन के हिसाब से हम कर रहे होते। ऊपर से निकला क्वेश्चन के क्लियर हो गया क्लियर। तो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ दो बातें और आपको बता दिया। तो कितने क्वेश्चन किए जी हमने सॉल्व क्वेश्चंस का? 5 है, सॉल्व क्वेश्चन तो सारे कर ही लिए, 7 है कुल मिलाकर, 6 देखना बेटा। कहता पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ओके, पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई मान लेते हैं। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ये रेशियो दे रखा है 1.813 × 10⁻⁴। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। पार्टिकल का मास ढूंढना है और पार्टिकल को क्या करना है? आइडेंटिफाई भी करना है। अगर पार्टिकल का मास 1.6 × 10⁻²⁷ के करीब आ गया तो समझ जाना है प्रोटोन या न्यूट्रॉन है। अगर इससे थोड़ा 4 टाइम ज़्यादा आ रहा मतलब वहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। करना कैसे है वो देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है तो बेटा अगर मैं पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलूँगा तो क्या इसको मैं एच अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वी दी हुई है तो वी यूज़ करूँ। पिछले क्वेश्चन में ई सेम बोला था तो मैंने ई वाला फॉर्मूला, जब वोल्टेज बोलेगा तो वोल्टेज वाला यूज करो। इस क्वेश्चन में वी बोल रखा है तो वी वाला यूज करो। ओके, सेकेंड पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, एच को कोई फर्क नहीं, क्या यहां एम ई और वी ई यूज होगा? जवाब दे दो, बोल दो यार। ओके, दोनों को डिवाइड कर देते हैं लैम्डा बाय लैम्डा ई, लैम्डा बाय लैम्डा ई, एच एच कटेगा, बोलो 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 जल्दी। ये एम ई वी ई, एम ई वी ई ऊपर जाएगा और एम और वी नीचे आएगा, चेक करो आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन में दे ही रखा है लैम्डा बाय लैम्डा ई 1.813 × 10⁻⁴, 1.813 × 10⁴ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है बंदे को। ओके, यहां पे एक और कंसेप्ट दे रखा है उसने, वी ई डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू 1/3। यहां पर मैं V की जगह ऊपर एम ई इंटू वी रखता हूं, चलो ऐसे इजी रहेगा। यहां मास ऑफ द पार्टिकल जो ढूंढना है और V किसके इक्वल दे रखा है 3 टाइम्स V E, बेटा बोला करो। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू पुट करवा दी। ओके, वी ई से वी ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये M मुझे चाहिए था ऊपर आ जाएगा, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट हो जाएगा, यहां पे 3 पहले से चल ही रहा है और ये 1.813 × 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा। देख लेना भाई, मैंने कोई गलती ना कर दी हो, यहां तक सही है। इसके बाद क्या तुम्हारा काम हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³, नीचे वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर कर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, आपको 10⁻⁴ का ऑर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। कितना आ गया, कर लिया कैलकुलेट, चलो शाबाश, 1.-27 आ गया। ले भैया, मैंने तो मजाक किया था, 1.6 × 10⁻²⁷ आ गया तो ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा। तो क्या है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली जाओगे तो ये मेरे ख्याल से प्रोटॉन ही बनेगा। चेक करते हैं क्या आंसर दे रखा है, 1.675 × 10⁻²⁷ kg, मतलब आप इसको प्रोटॉन आंसर दे सकते हो, प्रोटॉन भी हो सकता है न्यूट्रॉन भी हो सकता है, थोड़ा सा मास का इनके बीच में क्या होता है फर्क होता है। ओके, अगर हमने कैलकुलेशन माइन्यूटली किया तो एग्जैक्टली भी, तो आप इसका आंसर प्रोटॉन दे दोगे, इट्स अ प्रोटॉन। अब बताओ कुछ हाथ खुलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको अपने हाथ खोलने पड़ेंगे ऐसे। ओके, क्लासेस लगाने आओ यार, एंड तक क्लासेस लगवाऊंगा मैं, ठीक है जी। मुझे मतलब हमें आराम करने का या भागने का कोई शौक नहीं है भाई, सिलेबस खत्म हो गया जब से सिलेबस स्टार्ट किया है, अब लास्ट स्टेज है, अब भी उतना ही मतलब एनर्जी और उतना ही जोश है करवाते वक्त, और इसके बाद जब रिविजन कराऊंगा तब भी इतनी एनर्जी से चलेगा था। ये नहीं है कि भी आप अपने आप करते रहे, अपने आप कोई नहीं करता,
और अगर मेरी क्लासेस एंड तक लगा जाओगे, जनवरी के एंड तक, फेब के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते, हो जाते सीबीएसई वालों के एग्जाम, ओके, पंजाब बोर्ड के भी हो जाएंगे, तो आपकी समझ के लो जैन के एंड तक क्लासेस लगेंगी, बकायदा लगती रहेंगी, और उस तब तक मैं कुछ ना कुछ करवाते रहूंगा। अगर आपने क्लासेस अटेंड कर ली एंड तक, तो फिर अगर पहले कम भी बेटा काम किया होगा ना, तो भी हमारा सारा का सारा काम कवर अप हो जाएगा। तो अगर किसी के माइंड में ये थोड़ा चल रहा होगा ना कि बस अब सिलेबस खत्म होने वाला है, उसके बाद घर बैठ के पढ़ेंगे, भाई घर घर बैठ के नहीं पढ़ना तुम लोगों ने, घर बैठ के पढ़ने वाले होते तो पढ़ लिया होता, घर बैठ के नहीं पढ़ना तुमने, यहीं पढ़वाऊंगा, यहीं पर क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद तो मैंने प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं वो डिस्कस करवाने हैं आपको, तो बहुत कुछ चलेगा, यहीं पे चलेगा, ओके, जैसे आज चल रहा है ऐसे आगे भी चलेगा। तो एक क्वेश्चन बेटा और है, वो कवर अप करके जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे, इसके बाद एनसीईआरटी के, अब आज तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, अब एनसीईआरटी बुक निकाल लो अपनी, उस पर जो भी धूल वूल पड़ी हुई है उसको साफ सूफ कर लो, और अपने स्टडी टेबल पर दोबारा रख लो एनसीईआरटी बुक को, अब दोबारा आ गई है एनसीईआरटी की बारी। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ओके, मुझे लगता है सबसे मुश्किल सवाल है ये, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट कराया, तो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ गया है कि क्या फार्मूला लगेगा, ओके, हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो गुरशरण, कौन सा फार्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो बोलो शाबाश, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V, सीधा लगेगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट कितना, 100 का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आंसर सीधा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1.227 एंगस्ट्रॉम, अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर, ओके जी 0.123 नैनोमीटर इसका आंसर दे रखा पीछे, इसमें आ गया 0.123 नैनोमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये बताओ ये फार्मूला याद है सबको, कई बार क्या होगा कि आपको बहुत ही मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, अब लास्ट बात सुनते जाना एनसीईआरटी वाले की, वो जो सफेद कलर में लिखी हुई है इसको भी सुनते जाना, क्योंकि मैंने बोला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो करवाते ही करवाता है, क्वेश्चन करवा के एक बात भी बता के जाता है, तो क्या लिखा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इन दिस केस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है ना इलेक्ट्रॉन की, एक पॉइंट बताऊंगा सुनना, इलेक्ट्रॉन्स की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो किस में चलेगी बेटा, एंगस्ट्रॉम्स में चलेगी, ओके, क्या आपने सुनना मेरा पॉइंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या आपने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था, जल्दी बताओ, माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा है ना, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला पढ़ा था हमने, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला पढ़ा था, क्या था बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 μ साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, रिजॉल्विंग पावर, राइट है, ध्यान से छोड़ो, लास्ट ही पॉइंट है, छोड़ रहे हो, तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला, चलो तुम्हें याद नहीं है यार, इतना तो याद होगा ये रिजॉल्विंग पावर था, इतना तो मैंने बोला था रट लेना कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये तो याद होगा, तो अगर पूरा फार्मूला याद आ जाए अच्छी बात है, चल नहीं याद आया तो इतना तो याद है ना, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ होती है, राइट है जी, ओके, जो विजिबल लाइट है बेटा, विजिबल लाइट उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर है कि नहीं, जवाब दे दो, 400 टू 700 नैनोमीटर, ये एंड कहां पे जा रहा है तुम्हारा, 400 पे जा रहा है, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ होती है, मतलब वेवलेंथ जितनी कम रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा, रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा उतना ही माइक्रोस्कोप क्लैरिटी क्या देगा, ज्यादा देगा, ओके, अब विबगियर में से तुम बताओ, विजिबल लाइट में से कौन सा कलर यूज करना चाहिए माइक्रोस्कोप में ताकि क्लैरिटी बढ़िया रहे, रेड या वॉयलेट, बोलो जोर से बोल दो, वॉयलेट यूज करना चाहिए, लेकिन आपको बताया था वॉयलेट इंडिगो कम होते हैं, एक्सट्रीम कलर किसको बोला जाता है, ब्लू को ही बोला जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम कलर किसको बोला जाता है, ब्लू को, तो चलो वॉयलेट इंडिगो छोड़ देते हैं, सुन के जाना मेरा पॉइंट भाई, तो ब्लू और रेड में से बेटर कौन सा रहेगा, ब्लू रहेगा, क्या कभी आपने जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, 8th 9th में आपके टीचर आपको लैब वैब में लेकर जाते होंगे, वो माइक्रोस्कोप दिखाते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप में छोटे मोटे वो बायो के टीचर ना एक्सपेरिमेंट्स कर दिखाते हैं आपको, स्लाइड्स दिखाते होते हैं,
तो क्या कभी आपको अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट या अनियन पील की स्लाइड दिखाई है किसी ने स्कूल में? दिखाई है, एक बच्चा तो कह रहा है भाई दिखाई है। क्या करते होते हैं, अनियन लेकर, अनियन की एक वो बीच में पतला सा छिलका निकलता पर्दा था, उसका वो निकाल कर उसको स्लाइड पे रख कर उसके ऊपर एक सोल्यूशन सा लगा कर उसको कट के फिर स्लाइड में जाकर दिखाते होते हैं कि भी देखो भी इसके बीच में क्या क्या है, वो शेप भी बनती है, दिखती भी होती है। तो वो जो अनियन पील लगाते हैं ना उसके ऊपर ब्लू से कलर का क्या लगाते हैं, एक लिक्विड सा लगाते हैं, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो ब्लू कलर का क्यों लगाते हैं भाई, ब्लू कलर से रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं आगे, ब्लू पे आके तो एंड हो गए हम, या 400 पे आके क्या हो गए, एंड हो गए। अगर मैं इससे भी नीचे वेवलेंथ ले जाऊं, इससे भी नीचे वेवलेंथ ले जाऊं, तो बताओ रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी रिजॉल्विंग पावर 400 पे एंड हो गया विजिबल लाइट का, किस रेंज में आ रही है, 0.123 नैनोमीटर आ रही है, और वो क्या थी, 400 नैनोमीटर। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो करा कि नहीं? और ये मतलब जो थोड़ा हाई लेवल की बुक्स होती है ना, स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे एनसीईआरटी लगा लो, हमारे लिए वही स्टैंडर्ड है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आर्बिट्रेरी क्वेश्चन नहीं होते कि कुछ भी वैल्यू डाल दी कुछ भी बन गया। अगर उन्होंने 100 वोल्ट लिया है और ये वेवलेंथ आ रही है तो ये प्रैक्टिकली आ रही है, प्रैक्टिकली भी आ रही है, मतलब ऐसे मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो चलो फाइनली बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ विजिबल लाइट के कंपैरिजन में काफी कम होती है कि काफी ज्यादा होती है? काफी कम होती है। अब काफी कम होने के कारण बेटा इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर भी माइक्रोस्कोप बने हैं, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं उनको हम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होने वाली वेव्स यूज होती है जिसकी वेव लेंथ काफी कम है, इसलिए उनकी रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाती है, काफी ज्यादा आती है। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में काफी काफी क्या आती है, ज्यादा आती है। वो और माइन्यूट चीजों को और क्लैरिटी से दिखा देता है, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी बुक खोलो बेटा, अभी आगे तो कुछ चल नहीं रहा है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने कवरअप करो, कल मैं यहां पर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवरअप करा देंगे।